देख रहे थे कि ब्यास जी थे, वो भी पीला पीतम्बर ओढ़े थे, कि आकर के कोई पीला पीतम्बर मांगा है तो पंडित जी अब सोए थे पांडाल बैठे बैठे, लेकिन भाई देख रहे पंडित जी महाराज देख रहे, लेकिन एकदम भागे पंडित जी जो नींद में से खुले और सोई जाए कि वे ब्यास जी के गले में पीतम्बर पड़ो तो चाहे कि दोनों हाथ से फाड़ दो। और जो ही फारो होने की पंडितानी वजी के गई, बोले आए पंडित जी तुमन झुका कर दो, तुमन तो ब्यास को अपमान कर दो। पंडित जी बोले तुमसे मने मने करी थी हमें मत लेके जाओ, लेकिन तुम तो मानिए ना है, हमने कही थी मई दुकान की हमें ध्यान रहता हो। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी महाराज को पंडितानी फिर ले गई, बोले जवाब दिया आज तुम चलो। पंडित जी महाराज कथा में से कम ऐसी दो तीन बातें लेके आइयो, दो चार बातें लेके आइयो। बोले अच्छा हाँ। अब पंडित जी सोचने लगे, पंडितानी जी कही कि दो चार बातें लेके आइयो, अब हम चार बातें कहां से लेके जाएं, चार बातें कहां से लेके जाएं। तो पंडित जी ने एक किताब ली और एक पेन ली और लेकर के पंडित जी ने अपने जेब में रख ली, और जब जेब में रख ली तो पंडित जी घर से चले, और जो ही घर से चले सोई महाराज पांडाल की ओर पहुंचे। जो ही ब्यास ने देखो जे कही पंडित जी आए गए, पंडित जी ने जे कही एक तो बात मिल गई कि आए गए, उनने कॉपी निकाली लिख रही पंडित जी आए गए। बोले अब एक बात मिल गई, तीन बातें और मिल जाए। तब तक पंडित जी पांडाल की ओर पहुंचे, और जब पांडाल की ओर पहुंचे तो उसी समय ब्यास जी ने देखो कि पंडित जी बैठने के लिए जो ही नौरे, बोले पंडित जी नौरे गए। पंडित जी ने फिर कॉपी निकाली फिर लिख ली, उन्हें पंडित जी नौरे गए। बोले दो बातें है गई, दो बातें और मिन्या सोई, चार बातें पूरी है जाएगी। और जो ही पंडित जी महाराज बैठे, फिर बोले ब्यास जी पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने फिर लिख ली, बोले अब तीन बातें है गई, अब एक बात और मिल जाए। दिन में कथा हुई, शाम को आरती हुई, और जब आरती हुई तो पंडित जी महाराज जब चले, और चले तो ब्यास जी फिर बोले, बोले पंडित जी महाराज चंद है। पंडित जी ने एक बात और लिख ली, बोले चार बातें है गई, अब जब हमसे ये पंडितानी पूछेंगी तो चार बातें बता देंगे। और इधर महाराज परीक्षित होने के घर में रात में ऐसो भाव कि पंडित जी महाराज सोए रहे थे, अब भी सोए तो रहे कि वो ने चार बातें बेई याद आए रही, आए गए बैठे गए नौरे गए चले गए, महाराज सोए रहे केवल जाए बके सुवत में। तब तक उन्हें घर में चार चोर दस आए रात में, और जब चोर दस आए तो पंडित जी महाराज बेई बातें बके रहे। पहले चोर जैसे ही पंडित जी के घर में घुसो, पंडित जी बोले आए गए, और जो ही दूसरो चोर जाए कि नौरो, बोले नारे गए, और तीसरो चोर जाए कि जैसे ही बैठो, बोले बैठ गए, और महाराज जैसे चौथो चोर जाए कि पंडित जी के घर से चलो, एक बोलो भैया हमें लग रही पंडिता जगे रहो जल्दी जल्द भागे ले, और नहीं तो पकड़ जाइयो। पंडित जी जैसे चोर भागे, पंडित जी बोले चले गए। पंडितानी उठी बोले कहा तुम स्वतो जग रहे हो, तब तक पंडितानी देखो चोर भागा जा रहे, बोले आए पंडित जी तुमन तो हमारे घर बचाए लो, पंडित जी तुमन तो घर बचाए लो, अगर आज तुझे चार बात न याद करते तो आज चार सारे घर की डकैती पड़ गई होती। तासे कह रहे हैं कि पांडाल में आओ तुम दो चार बात ऐसी लेके जाओ जो कुछ काम दे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सभी भक्त भगवान का कीर्तन बोले, फिर भगवान श्री राम का अवतार होगा और कन्हैया का भी अवतार होगा।